बाकी तो गल साहब हमारे अखबार ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं कर पाते असिस्ट के लिए हमारे आप हेल्थ वर्कर्स हमारे यहाँ छुट्टी चले जाए या कुछ कुछ बीमार हैं तीन चार वर्कर्स हैं उन्होंने अपने आप वर्कर्स छुट्टी देनी है तो हमारे हेल्थ वर्कर्स आपके थ्रू इसको इंफॉर्मेशन पहुँचाएंगे अपने साथी जिन जो साथी हैं उनको भी बताना हमने सबसे इम्पोर्टेंट रजिस्ट्रेशन अपनी दुकान में जो गया है कॉपी लगा लो उसके चार नेम एड्रेस फ़ोन नंबर कहाँ से आया बंदा है ना किस किस डेट को आया उसका पूरी अरे वैसे डाउनलोड की नहीं हुई है तो उस डिस्टेंसिंग हो रही है दो चीज़ स्टूडेंट मीटर का डिस्टेंस है कि नहीं है हैंड वॉशिंग हो रही है हमारे कुछ के बाद ग्लव वगैरह पहन सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स आपने धोने हैं साबुन से धोने हैं और उसके बाद उसको सैनिटाइज करना है सैनिटाइजर उसको आके आप पर इकट्ठी कर हर बंदे के लिए रही शीट है अपने प्रोटेक्शन का लगता है जिसकी बंदा लगता है तो आप हेल्थ शील्ड भी आती है ये पी पी टी की डिफरेंट अक्सर पास शील्ड है ज़्यादा कॉस्टली आइटम नहीं है उसके अंदर कोई जैसे आपको स्क्रैच हो गया है ना कोई आगे प्रीक हो गया आपसे है ना तो उस चीज़ को अच्छे से आपको वॉश करना पड़ेगा बाकी जो प्रीकिंग की उसमें चीज़ है कुछ चीज़ें आप डिस्पोजल भी यूज़ कर सकते हैं तो डिस्पोजल चीज़ को तो आपने यूज करना ही करना है मैक्सिमम हर चीज़ में डिस्पोजल नहीं होती ना उससे आपके कॉस्टली भी होते हैं आर्मी कॉस्टली होते हैं तो उनको अपने प्रॉपर वॉश करके हर जो कटिंग के लिए नया इंस्ट्रूमेंट साफ किया हुआ सैनिटाइजिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है और शीट भी नहीं होनी चाहिए ठीक है और बिना मास्क के कोई कटिंग नहीं मास्क आप कपड़े वाला यूज़ कर सकते हैं उसका डेली धो सकते हैं अगर कोई आपके डिपार्टमेंटल है कहीं उनसे आपको सहायता मिलती है कई बार आपको गिफ्ट मिल जाते हैं मास्क और ज़्यादा कॉस्टली नहीं है उसकी एक जैसे ट्रिपल लेयर मास्क होता है उसकी लाइफ तीन चार घंटे होती है तो आपको दिन में लंच के बाद मास्क चेंज करना पड़ेगा सीना पड़ता है इसमें और उसके फाइबर भी थोड़े निकले से हो जाते हैं और उसके ऊपर जब स्पोज बंदा खांस है तो उसे प्राण फिट होते हैं तो मास्क को प्रॉपर डिस्पोज करना है इसको दोबारा नहीं यूज़ करना इस मास्क को चार उसको डस्टबिन में डाल बाकी दूसरा रुमाल है तो आप धो सकते हैं गर्म पानी में धोगे इंस्ट्रूमेंट भी प्रेफरली गर्म पानी में धोना है गर्म पानी हो तो आपके सारे कीटाणु भी निकल जाते हैं ग्रीस का निकल जाता है तो ये गाइडलाइन है गवर्नमेंट की बाकी ट्रेनिंग वाली बात नहीं है क्योंकि कोरोना महामारी के बारे में सब लोगों को पता है इतना सोशल मीडिया पर डेली आ रहा है ना तो आप हम लोग सारे एक्सपर्ट हैं लेकिन बात है उस चीज़ को फॉलो स्ट्रिक्टली करना है उसके बिना अपने लाइफ को जो क्यों नहीं लगे 25 मई को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छातलाई में COVID-19 के रिगार्डिंग एक ट्रेनिंग आयोजित की गई जिसने यहाँ के जो बार्बर जो सैलून के व्यापारी हैं उनको उसके बारे में जानकारी दी गई क्योंकि सरकार के दिशा निर्देश है कि अब हमारी बार्बर शॉप भी स्टार्ट होने जा रही है उससे पहले गवर्नमेंट चाहती है इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो ताकि ये COVID-19 के रिगार्डिंग बीमारी को फैलने से बचाने के लिए और अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो दिशा गवर्नमेंट का जो दिशा निर्देश है उसको फॉलो करें इसमें मुख्यतः इन बार्बर्स को यही बताया गया कि अपनी जो शॉप्स हैं उसमें ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं करें प्रेफरेबली लोगों को एक अपॉइंटमेंट के थ्रू बारी बारी बुलाएं और जो शॉप्स में हैं जो उनकी जो चेयर्स हैं मैक्सिमम जैसे प्रेफरेबली एक ही चेयर होनी चाहिए बहुत बड़े सैलून में से दो चेयर्स भी हो सकती हैं इसमें कम से कम 1.5 से 2 मीटर का गैप होना चाहिए और बार्बर्स को भी प्रॉपर सफाई का वॉशिंग होगी और उसको सैनिटाइज भी करना पड़ेगा और जो बिना मास्क के कोई मतलब कटिंग नहीं होगी जो बार्बर को मास्क पहनना है और कस्टमर को भी मास्क पहनना ही पड़ेगा प्रेफर जो ट्रिपल लेयर मास्क है उसको पहने हर कटिंग के बाद हैंड वॉशिंग बहुत जरूरी है और हो सके तो बार्बर एक अपना ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं जिससे और हेड शील्ड भी यूज़ कर सकते हैं और जो शीट है टॉवल है हर कस्टमर को नहीं चाहिए इसके लिए डिस्पोजेबल शीट्स भी यूज़ की जा सकती हैं और हर कटिंग के बाद उसको प्रॉपर उसका शीट को भी सोडियम हाइपोक्लोराइट जो उसके बारे में बताया गया उससे उसको डिसइंफेक्ट करना है और जो भी कस्टमर उनके पास आता है उसकी पूरी जानकारी उसका नाम पता और उसका मोबाइल नंबर और उसने आरोग्य सेतु ऐप है उसने बार्बर ने खुद भी डाउनलोड करनी है और जो कस्टमर है उसको भी डाउनलोड उसने देखना है उसका स्टेटस पता होना चाहिए बाकी इस दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग जो कारोबारी काम करेंगे तो गवर्नमेंट उसको पूरा उसका ख्याल रखेगी।